साथियों, यूपी सहित पूरे देश के हेल्थ सेक्टर के विकास के लिए हमारा विजन और डायरेक्शन दोनों पहले ही दिन से स्पष्ट रहा है। स्वास्थ्य के साथ साथ इससे जुड़ी सुविधाओं में सुधार पर भी हमने ध्यान केंद्रित किया है। हेल्थ सेक्टर के लिए सरकार का रोड मैप है, पहला प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, उस पर बल दिया जाए। दूसरा अफोर्डेबल हेल्थ केयर, इसका जितना ज्यादा विस्तार हो प्रयास किया जाए। तीसरा सप्लाई साइड इंटरवेंशंस, यानी इस सेक्टर की हर डिमांड को देखते हुए सप्लाई को सुनिश्चित करना। और चौथा मिशन मोड इंटरवेंशन, यानी स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को मिशन मोड पर चलाना। आप सरकार की तमाम योजनाओं को देखेंगे तो वो इसी राह से गुजरती हैं, इसी मैप पर आगे बढ़ती है। साथियों, बीमारी पर होने वाले खर्च को बचाने का सबसे आसान तरीका है कि बीमार होने से ही बचा जाए, यही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। और इसके लिए जितना ज्यादा प्रमाण में हम लोगों को जागरूक करेंगे, जागरूकता होगी, जितना ज्यादा सामान्य मानवीय इसे लेकर गंभीर होंगे, उतना ही उनमें इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर स्वस्थ होगा। स्वच्छ भारत एक प्रकार से अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का बड़ा अभियान है, तो योग भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए जीरो कॉस्ट हेल्थ केयर है। उज्ज्वला योजना से धुएं से माताओं को मुक्ति दिलाना, ये भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का काम है। तो दूसरी तरफ देश के हर नागरिक को फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बना करके उसको भी फिट रहने के लिए प्रेरित करना। इसके साथ साथ आयुर्वेद को बढ़ावा देना, क्योंकि आजकल होलिस्टिक हेल्थ केयर की मांग बढ़ती चली जा रही है। हर कोई साइड इफेक्ट से बचना चाहता है और उसमें आयुष आयुर्वेद ये बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो ऐसे हर पहल बीमारियों की रोकथाम में अपना अहम योगदान दे रही है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए हम जितना बल दें, उतना हेल्थ सेक्टर के लिए हमारी चिंताएं कम होती जाती है। एक तरफ जहां इसे कम्युनिकेबल डिसीज की रोकथाम में मदद मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ जीवन शैली के कारण जो बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों को दूर करने में भी ये कारगर साबित हो रही है। साथियों, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की ही एक कड़ी है, देश के ग्रामीण इलाकों में 1.25 लाख से ज्यादा वेलनेस सेंटर का निर्माण। ये सेंटर बीमारी के शुरुआती लक्षणों उसको पकड़कर शुरुआत में ही उनके इलाज में मददगार साबित होंगे। इसी तरह सरकार का विशेष जोर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के विस्तार पर भी रहा है। हमने नई वैक्सीन जोड़ने के साथ ही दूर दराज वाले इलाकों में भी टीकाकरण अभियान पहुंचाने में सफलता पाई है। इन दिनों हम लोग, और मैंने कानपुर में इसको लॉन्च किया था, पशुओं के आरोग्य को लेकर के फूट एंड माउथ डिसीज वाला, ये भी पशु का आरोग्य भी ह्यूमन एलिमेंट के लिए भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए काम आता है। अगर पशु
बीमार नहीं है तो बीमारी फैलाने का वो कारण भी नहीं बनता है। यानी एक प्रकार से होलिस्टिक अप्रोच हमें आवश्यकता के अनुसार बल देते हुए आगे बढ़ाना होगा। साथियों, हेल्थ केयर के दूसरे आयाम यानी अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाने देने के लिए, इसके लिए भी सरकार द्वारा कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। आयुष्मान भारत के कारण देश के करीब 70 लाख गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है। यह आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, उसकी टोटल जो जनसंख्या है उससे ज्यादा भारत में आयुष्मान के लाभार्थियों की सूची है। और इतने कम समय में 70 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया है, और ये वो लोग हैं जिसमें ज्यादातर ये मान करके बैठे थे कि अब मृत्यु का ही इंतजार अच्छा होगा, जितने जल्दी मौत आ जाए उतना अच्छा होगा, जितने दिन तक कष्ट झेल सकते हैं, बीमारी झेल सकते हैं, झेलते रहेंगे, लेकिन बच्चों को कर्ज में डुबो करके हेल्थ के लिए कुछ करना नहीं है, ऑपरेशन करवाना नहीं है, हार्ट की ट्रीटमेंट नहीं करवानी है, कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं करवानी है, सब कुछ आशा छोड़ चुके थे, लेकिन आयुष्मान भारत योजना आने के बाद उनको एक नई जिंदगी, नया विश्वास, नया उत्साह मिल गया और एक रुपये के खर्च के बिना 70 लाख लोगों का उपचार हो गया। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश ने इस योजना को आगे बढ़ाने में बहुत सक्रियता दिखाई है। अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 11 लाख ऐसे परिवारों लोगों ने इसका लाभ लिया है, 11 लाख लोगों। इसी तरह जन औषधि योजना, इससे सस्ती दवाइयां मिल रही है, यानी जो दवाई बाजार में जाकर के आप लेने जाते हैं 100 रुपया लगता है, जन औषधि केंद्र है वो 30-40 रुपए में मिल जाती है। जिनको परमानेंट दवाइयां लेनी पड़ती हैं उन लोगों को महीने का 800, 1000, 1200, 1500 रुपए तक का बिल की बचत हो रही है। यानी पूरे देश में जन औषधि केंद्र बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और लोग जन औषधि केंद्र की दवाइयों को पसंद कर रहे हैं। वहीं स्टैंड्स हो, नी कैप्स की कीमतों में भी काफी कमी लाई गई है। साथियों, जैसे जैसे गरीब से गरीब को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो रही है, वैसे वैसे हेल्थ केयर की डिमांड भी बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो नए नए अस्पतालों, नए नए क्लिनिक, नए नए नर्सिंग होम बनने का रास्ता खुला है। पिछले 5 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में मेडिकल सीटें बढ़ाई गई हैं। इसी साल पूरे देश में 75 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी देने का फैसला किया है। एक प्रकार से ये हर 3 लोकसभा सीटों के बीच एक मेडिकल कॉलेज बनाने के हमारे विजन को आगे बढ़ाने वाला एक सफल प्रयास है, और इसका बहुत बड़ा लाभ भी उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। बीते 2-3 वर्षों में ही यूपी में 2 दर्जन से ज्यादा मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें से अनेक या तो शुरू हो चुके हैं या फिर निर्माण की प्रक्रिया में है।